नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या के बाद आगजनी में लगभग 8 लोग जिंदा जल गए हैं, जलाए गए हैं इन लोगों को। अब इस घटना के बाद बागुटी गांव में दहशत का आलम यह है कि पीड़ित परिवार अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आगजनी के में मृतकों के परिजनों का कहना है कि हम यहाँ डर के साए में नहीं जी सकते हैं, हमने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, अब हम अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं। वहीं इस अग्निकांड के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 3 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है और केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जाँच की मांग की गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय ने बताया कि मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के कुछ देर बाद ही रामपुर हाट के करीब बागुटी गांव में दर्जन भर झोपड़ियों को आग लगा दी गई। इसमें 2 बच्चे और 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की जलने से मौत हो गई। इस घटना के बाद बीजेपी ने सीएम ममता को इस्तीफा देने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं डीजीपी मनोज मालवीय के अनुसार अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एडीजी ज्ञानवंत सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में जीवित बचने वालों में से एक ने बताया कि हम सो रहे थे और अचानक धमाकों की आवाज सुनी, इसके बाद हमारे घरों में आग लगा दी गई। उधर इस मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने घटना को भयावह करार देते हुए राज्य के हिंसा एवं अराजकता की संस्कृति की गिरफ्त में होने का दावा किया है। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे अनुचित बयान देने से बचने का आग्रह किया है और कहा है कि उनके बयानों को राजनीतिक असर होता है, जो सरकार को धमकाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को समर्थन मुहैया कराते हैं। वहीं बीजेपी की 9 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री से मिलने वालों में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह शामिल थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है और अब लोग दहशत के माहौल में जीना नहीं चाहते, इसलिए अपने घरों को छोड़कर वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। 10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग के हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं? जहां हमारे घर की मां बहनों को जिंदा जलाए जाते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की इस तरीके की हिंसा दहशत सारे बंगाल की छवि को धूमिल कर देते हैं। आज बंगाल में जहां रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नजरुल इस्लाम से लेकर स्वामी विवेकानंद जी की मिट्टी मना जाते, उस बंगाल के आज इस हालात देखकर मैं खुद शर्मिंदा महसूस करता हूं। देखिए, बंगाल में बीरभूम वो जिला है जहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है, गरीबी भी ज्यादा है, इलिट्रेसी भी ज़्यादा है और करप्शन भी ज़्यादा है। पत्थर, बालू और गाय तस्करी सब कुछ उसमें होता है और वहाँ पॉलिटिकली भी इतनी क्लैश होती है, वायलेंस होती है। जहाँ पंचायत में भी नॉमिनेशन करने थे विरोधियों को, म्यूनसिपैलिटी में अभी नॉमिनेशन तक करने नहीं दिया गया और वहाँ विशेषकर संखालू को अधूषित इलाका में हिंसा ज़्यादा है। इस राजनीतिक हिंसा का कारण कल TMC के उप प्रधान को बम मारा था, वो भी
माइनॉरिटी था और उसी के गैंग ने दूसरे गांव में जला आग लगा दिया 8-10 घरों में, जिसमें लगभग 10 से 12 लोगों का मौत हुई, जल के मरे हैं। तो ये जो भयंकर घटना हो रही है, सरकार की कानून व्यवस्था धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, कंट्रोल नहीं है, और जो एंटी सोशल्स है समाज में पूरा उनका ही दबदबा है, क्योंकि वो लोग टीएमसी को वोट से जीतने में मदद करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ नहीं लगाती पुलिस, और इसलिए सामान्य लोगों की हालत अभी बहुत खराब है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। सर किस तरह की मांग करें? देखिए, सरकार तो एक लिपापोती करने के लिए एसआईटी गठन कर देती है। अभी इसी सप्ताह 24 खून हुए बंगाल में, इसमें 2-3 एसआईटी गठन हुई है, लेकिन उसमें भरोसा नहीं है पुलिस। तो बंगाल का बीरभूम जल रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, 8 लोगों को जला दिया गया और उनके परिजन दहशत के साए में जी रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, सुमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश्वर पाठक जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी, बंगाल में जिस तरीके से जो माहौल, अराजकता का माहौल बना हुआ है, दर्जन भर घरों को जला देना और उसके बाद 8 लोग उस घर के अंदर जिंदा जल गए, जो 8 लोगों के शव कंकाल निकाले गए सामने जलने के बाद, सोचिए क्या मंजर रहा होगा, कितना भयावह स्थिति रही होगी। और एक जो उसमें से बच गया वो बता रहा है कि पहले धमाके की आवाज़ हुई और उसके बाद घरों को आग लगा दिया गया, उसमें महिलाएं भी शामिल, बच्चे भी शामिल, क्या चल रहा है बंगाल में? वहां जिस तरीके से बंगाल को बदनाम करने की जब जब चुनाव आते हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी दल वहां पे सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। वो ये चाहती है यहाँ पे जिस तरीके से बंगाल बदनाम हो उस तरीके से हम लोग और यहाँ पे मजबूत होंगे। आप देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, चाहे 19 का चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं सब शांत हो जाते हैं। आज उपचुनाव हो रहे हैं, पर जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर हम निंदा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की, टीएमसी के कार्यकर्ता की, जिसने भी हत्या करी है, और जो 8 लोग मरे हैं बम धमाके में, उनकी सबकी जांच होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे कर रही है, खेल रही है, हम वहां पे उसको खेल नहीं देंगे। सुमित जी, वहां पर जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो परिजन हैं, वो साफ तौर पर थाने पर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, और वो ये कह रही हैं। दरअसल ये जो केवल बीजेपी की तरफ से तो किया नहीं गया है, इसमें जो बताया गया है कि दोनों गुट टीएमसी के थे, दोनों लोग जो थे जिन्होंने ये आग लगाई है, और जो परिवार इसके साए में आए हैं वो दोनों ही गुट के लोग जो थे वो टीएमसी के समर्थक थे। तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई बीच में? देखिए, एक समर्थक होना और एक पार्टी का नेता होना अलग की चीज है। आज अगर मैं कह दूं कि साहब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई और मैं जाके खड़ा होकर के वहां पे किसी के ऊपर हमला कर दूं और मैं कह दूं मैं तो समर्थक था, तो ये चीजें बहुत गलत है। हम आपसे फिर कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पे जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भी कुछ ऐसा करा है, हरकत करी है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, बहुत निंदनीय है ये। ठीक है, निंदनीय कहने से लेकिन मुझे लगता है केवल काम नहीं चलेगा। सुमित जी, प्रदीप जी, देखिए देखिए जी, आप किसी चीज के ऊपर समय तो देंगे। आपने कहा एकदम से आप उसे उठा करके सीधे कर लें। प्रदीप जी देखिए, कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया, सुमित जी कह रहे हैं एकदम से सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, दर्जन भर घर जला दिए गए और उसमें भी आप सीधे आरोप आप पर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की करामात है। मतलब जो कुछ हुआ बंगाल में, जो कुछ होता है चुनाव के दरमियान, वो भारतीय जनता पार्टी ही कराती है और बंगाल को बदनाम करने की एक साजिश रची जाती है। देखिए, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता नेता बेशरम बैठते हैं, जो अपनी जनता जिन्होंने चुनके इनको बैठाया सरकार में, और उनकी किस तरह भाषा और शैली है, कोई शोक और कोई संवेदना जरा सी भी नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। ये लोग वो हैं जो हिंसा करके ही बीच में ना बोले आप
प्रदीप जी की सुन लीजिए सुमित जी, उसके बाद फिर आप से लेते कमेंट। मैं आपके बीच में नहीं बोला श्रीमान, ये लोग वो हैं ये तृणमूल कांग्रेस के, जब कांग्रेस से अलग हुए और अपनी जमीन को एकत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल में हिंसा के बल पे सरकार बनाई उन्होंने, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो हिंसात्मक है और ये हिंसा ही हिंसावादी लोग हैं। ये महात्मा गांधी जी को नहीं मानने वाले, विवेकानंद जी को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा जरा सा समय लूंगा, बहुत थोड़ा सा, कि जब ममता जी ने अपनी राजनीतिक जमीन पश्चिम बंगाल में खींची तो सबसे ज्यादा कहां झगड़ेबाजी और उपद्रव हुआ? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वालों से, क्योंकि उन्हें सत्ता से हटाना था। फिर नैनो जो गाड़ी बननी थी सिंदूर के अंदर, आप वो देखिए कि वहां 950 हेक्टेयर जमीन उन गरीब किसानों छीन ली, वहां कितना बड़ा आंदोलन इन्होंने करा और वहां से पार्टी जिंदा हो गई और सत्ता में आ गई। और उस दिन से लेके आज तक इन लोगों को अभी तक खून की प्यास बुझी नहीं, जो अभी भी प्रदेश के अंदर अपने शांति नहीं ला पाए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ला पाए, गुंडागर्दी खत्म नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? कि ममता जी ने अपने वोटर के लिए बांग्लादेशी इतने बसा दिए कि वो हद से ज्यादा, क्योंकि उन्हें वोटर प्यारा है, उन्हें वहां का क्षेत्रवासी प्रदेशवासी प्यारा नहीं है। आज के टाइम में फिर मैं बोल रहा हूं, 28,000 गांव में से 5,000 गांव से हिंदू पलायन कर चुका है, या तो उसे धर्मांतरण करा दिया गया है उसका, या उसे मार दिया गया है और या फिर भगा दिया, भाग गया वहां से। ये अभी भड़क उठेंगे, बहुत बड़ी बात है, मुझे पता है। मैं जो आज जो वीर भूमि के अंदर हुआ है वो किसकी हत्या हुई है, वो किस जात धर्म से आता है, उससे वो नहीं है। आज इंसान की हत्या हुई है। आप ये सोचिए, ममता बनर्जी एक महिला होके उनके दिल में इतना छाती में दर्द नहीं है कि महिलाओं को जिंदा जला दे गया? अरे साहब, अगर जरा सा माचिस से हाथ जल जाए तो कितना दर्द रहता है, और उनको तो बंद करके जला दिया गया। कि ममता जी को तो बच्चों का पता नहीं है क्योंकि उनके बच्चे नहीं है, किस तरह बच्चे बेचारे जले होंगे अंदर, सोचिए, एहसास कीजिए कितना चिल्लाए होंगे वो, कि ममता दीदी तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा, ममता दीदी तुम्हें कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, ममता दीदी कितने हाय कर रही होंगी ममता दीदी को वो, कि तुम महिला हो के महिलाओं को जलवा रही हो, आपने जिस बच्चों को फूंक दिया, कितनी हाय निकल रही होगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। एक बार बताता हूं आपको मैं, इसी बीच में दो पार्षदों की भी हत्या हो गई है, जो कि इन्होंने छुपा के रखी, बताने नहीं दिया इन्होंने, वहां मीडिया को कंट्रोल कर रखा पूरी तरह कैप्चर, कि जो हम कहेंगे वो दिखाएंगे। हत्या हुई थी मीडिया को हमने कोई छुपा के नहीं रखा है। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ मल्होत्रा जी आपसे, मेहता जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप मेरी बात को दबाने के लिए आप चिल्लाएंगे, आप अभी जब वहां चुनाव थे तो हमारी भाजपा की दो महिला जो सपोर्टर थी उनकी बीच चौराहे पे उनसे बलात्कार किया गया टीएमसी ने, दिन में बीच चौराहे पे, दहशत के लेके, देखिए ये दहशत है टीएमसी की, इससे बड़ी गंदी बात और क्या बताऊं। मेरी बहनों की वहां माओ क्या हाल है, बंगाल पश्चिम बंगाल को इन्होंने कश्मीर बना दिया, इन्होंने, इनको शर्म नहीं आती कि देश को कहां ले जाना चाहते हैं गद्दी के चक्कर में। ठीक है, अब देखिए उन सुनिए और खत्म करता हूं बात को मैं। और उन दोनों लड़कियों की 20 वर्ष की उम्र थी, 20-22 साल की, और वही बलात्कार करके वही चौराहे पे मार दिया। ये राजनीति है पश्चिम बंगाल की, रक्त भरी राजनीति है। उन इस चुनाव के अंदर जब चुनाव जीते ना, जब तृणमूल कांग्रेस भारी मतों से पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती, टीएमसी जिंदाबाद 39 महिलाओं का बलात्कार हुआ था साहब उस रात को, और उस रात को हजारों घरों में आग लगा दी गई थी। 51 FIR तो CBI ने दर्ज करी है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं स्पष्ट भी कर दूंगा, अगर दो प्रवक्ता तुमने मेरे साथ स्लोर बैठे, अगर मैं कहीं झूठ बोलता हूँ, ममता बनर्जी को इमीडिएट या तो फांसी दे देनी चाहिए ऐसी तानाशाह को, या फिर उसे देश निकाला देना चाहिए। हम तो ये डिमांड करते हैं सुमित जी, अपने प्रदेश की जनता का भला ना कर सके। ठीक है प्रदीप जी, सुमित जी आपके पास आएंगे, एक कमेंट ले लेते हैं सर्वेश्वर जी का, सुमित जी आएंगे उसके बाद, सर्वेश्वर जी के कमेंट ले। सर्वेश्वर जी, कहा जा रही भाई रक्त रंजित जिस तरीके से बंगाल होता चला जा रहा है, और ये चुनाव जैसे कोई भी चुनाव वहां पर होता है तो ऐसा अराजकता का माहौल वास्तव में उस दरमियान कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है।
योगेश जी देखिए, आज जो आज का जो दिन है हमारे इस भारत वर्ष को बनाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने अपनी बलिदान दिया था। आपके चैनल की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके सभी दर्शकों की ओर से जी। और बीजेपी केवल कंडेम करने पे है, 10 आदमी को जिंदा जलाया गया है। अभी कश्मीर फाइल्स की चारों तरफ चर्चा हो रही है कि 30 साल से वो कश्मीरी पंडित को न्याय नहीं मिला है। और जब चुनाव जीती थी तो इतनी महिलाओं को रेप किया गया था और बीजेपी अपने वर्कर्स को हेल्प नहीं कर रही है। इनके पास समस्या किस बात की है? सेंट्रल में सरकार है, किसी घर में लोगों को बंद करके जिंदा जला दे रही है और इनके पास सरकार को बर्खास्त करने का कोई वो नहीं है। एक पॉलिसी के तहत उस बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ममता बनर्जी के उल्टा एक राक्षसी है जो महिला होने के बावजूद भी महिलाओं पे बलात्कार होने देती है। उनके गुंडे चुनाव जीतने के बाद बलात्कार करते हैं लेकिन वो चूं शब्द नहीं होती है। सीबीआई ने एफआईआर किया लेकिन इतनी समय क्यों लग रही है इन्वेस्टिगेशन में? क्यों नहीं उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे या वो फांसी के फंदे पे होना चाहिए? राजनीति कहां हो पाएगी फिर? और सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा रही है जब इतनी निरंकुश लॉ एंड ऑर्डर वहां पे है ही नहीं? आप सोच रहे हो 30 साल पहले ऐसे ही कश्मीरी पंडित को उनके घरों में बंद करके ऐसे ही जलाया गया था, ऐसे ही मारा गया था। क्या वही घटना फिर से ये बंगाल में हो रही है? और फिर बीजेपी चिल्लाएगी बंगाल से टीएमसी ने भगा दिया? आपका एक गोधरा में जो गुजरात में राइट्स हुआ था, क्यों हुआ था? गोधरा ट्रेन कांड के कारण हुआ था और उसके लिए आपको सारे पेपर वाले, सारे मीडिया, सारे विपक्षी घेरते हैं लेकिन यहाँ पे वही राइट्स बंगाल में हो रहा है। ना आप ठीक से प्रदर्शन करते हो, ना उस ममता बनर्जी को निरंकुश शासन करने दे रहे हो। अरे इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है कि घर में बंद औरतें और बच्चे को आग लगा दे टीएमसी के गुंडे नहीं, और ममता बनर्जी जैसे उल्टा राक्षसी एक वट नहीं बोलती है। और अगर वहां के राज्यपाल उनको कुछ कहते हैं तो वो राज्यपाल से लड़ना शुरू करती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सही बात है। सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। भारतीय जनता पार्टी भी शासन लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी संवेदना प्रकट कर रही है। अभी केंद्र से दो चार सचिव चले जाएंगे, दो चार केंद्रीय मंत्री चले जाएंगे, उन परिजनों से उन गांव का भ्रमण कर लेंगे, परिजनों से मुलाकात करके चले आ जाएंगे, टीवी में हाईलाइट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर के अखबारों में फ्रंट लाइन पे छट जाएंगे, उनके नाम बड़े बड़े आ जाएंगे कि संवेदना प्रकट की, मुलाकात की, जांच का आश्वासन दिया, निष्पक्ष जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी भी यही कर लेगी। अरे भारतीय जनता पार्टी अब उससे ऊपर उठे, 4 से 75 वहां आए हैं, ये टीएमसी पचा नहीं पा रही है। 77 इस क्यों? बात को आप समझने की कोशिश करिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना उग्र रूप दिखाना होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गई कि हम कंडेम कर रहे हैं, हम कड़ी निंदा कर रहे हैं। अरे आपके पास सेंटर में गवर्नमेंट किस बात की है? इससे बड़ी घटना क्या होगी कि आप चुनाव जीतते हो? अभी बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनाव जीता, उसके कोई समर्थक किसी के साथ मारपीट किए? एसपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मारपीट हुई यूपी में? कांग्रेस के समर्थकों के साथ क्या मारपीट हुई उत्तराखंड में या गोवा में या मणिपुर में? नहीं, ये टीएमसी की जो गवर्नमेंट है एक निरंकुश शासक है। ये पूरा का पूरा मामला बनता है, उस सरकार को बर्खास्त करके उसको जेल की सलाखों के पीछे ममता बनर्जी को लेके आना चाहिए। आप ईडी के पूछताछ के लिए बुलवा रहे हो, अगर ईडी के पास इतने साक्ष्य हैं, उसके भतीजे को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? और उसकी निरंकुश सरकार का आप तो ये तो देखे, जो ऑफिसर वो उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पूछताछ कर रही है उस पे नोटिस देके उसको अपने पुलिस स्टेशन में बुला रही है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि ये निरंकुश सरकार आखिर समझ क्या रही है। एक तो सारे बांग्लादेशी मुस्लिमों को भर रही है वहां से और बीजेपी चुपचाप मुख दर्शक बनी देखती रही है। हम एनआरसी लाएंगे, एनआरसी, अरे एनआरसी लागू कहां करा पाते हो आप लाने के बाद भी? इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। बहुत हो गई कड़ी निंदा, अब समय है एक्शन लेने का। ठीक बात, ये जो घटना घटी है
जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और बंगाल में जिस तरीके से अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, लोगों को जिंदा जला देना, लोगों के ऊपर बम फेंक देना, दिन दहाड़े वहां पर जिस तरीके से आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे, रुक करेंगे सुमित जी। देखिए सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, सुमित जी से आएंगे, फिर से जुड़ेंगे। सुमित जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रदीप जी देखिए, सर्वेश्वर जी ने बात सही कही, मुझे भी लगता है कि केवल संवेदना जता करके और वहाँ पर दो चार आपके नेता पहुँच जाए, केंद्र से कुछ सचिव पहुँच जाए, इस भर से मात्र कहाँ काम चलेगा। अब अगर आप जो है अन्य प्रदेशों में हल्ला बोल सकते हैं, महंगाई के खिलाफ विधानसभा का घेराव कर सकते हैं, बंगाल में आखिर क्यों नहीं? बंगाल में आपकी क्या समस्या है, क्या वजह है जो आप कमजोर पड़ जाते हैं? केंद्र में आप सत्ता में हैं, इतनी मजबूती के साथ आप लगातार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, राज्य दर राज्य सरकार बनाते चले जा रहे हैं, लगातार हर राज्य में आपकी इतनी मजबूती है, बंगाल में आप विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्या वजह है? अगर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर गड़बड़ है तो बंगाल की सरकार को आप क्यों नहीं हिला के रख देते हैं कि मजबूर हो जाए बंगाल सरकार, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त कर दे कि उसको सोचना पड़े कि नहीं, विपक्ष बिल्कुल आवाज न उठा पाए, क्यों नहीं कर पाते आप? आपने लगता है पंजाब भूल गए कि पंजाब में राज सरकार ने किस तरह तांडव करा था जब प्रधानमंत्री पंजाब जा रहे थे और जो कार्यक्रम था वो भी देखा है। एक राजस्व मैं खत्म कर रहा हूँ, अगर कोई गलत हो तो आप मुझे बोलिएगा बिल्कुल। ठीक है, राज्य सरकार के अधिकार है, उन्हें जनता ने चुन के भेजा है, बड़ा आसान है भेजा है तो इतना ज्यादा आसान, बहुत आसान है, कह रहा हूँ बड़ा आसान है निष्कासित करना सरकार को बाहर निकालना। आसान कैसे है? आसान कैसे है मुझे बताइए। आपके कार्यकर्ता को जिंदा जला देता है, आपके कार्यकर्ताओं का रेप होता है वो भी मास लेवल पे, और इससे ये कोई आपको ये नहीं लगता, आधार नहीं लगता कि उस चुनी हुई या निरंकुश सरकार को सत्ता से हटाया जाए? राष्ट्रपति शासन आखिर है किस बात का? मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके हजारों कार्यकर्ता की बलि होगी तब आप जगोगे? आसान नहीं है भाई साहब, इससे बड़ा कांड नहीं हो सकता। 2 लाख कश्मीरी पंडित को मारा गया या जो भी किया गया कश्मीर में, अभी तक आप उसको 30 साल हो रहा है लोग कह रहे हैं, और ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। बताया नहीं गया है, शहर छोड़ के भाग रहे हैं, वहां भी तो विस्थापित हो रहा है, और आपको आधार ही नहीं लगता राष्ट्रपति शासन का? ये निरंकुश शासक जो ममता बनर्जी, इसको जेल के सलाखों पीछे होना चाहिए। आपने ये देखा कि जो सबसे 30 वर्ष जिन्होंने राज शासन शासन सत्ता चलाया और बैठे वहां पे, वो आज कहाँ है? आज विरोध में कहीं दूर दूर तक नहीं है, और भाजपा तो 4 से 79 पे पहुंची है। आप तो सोचिए इस चीज के बारे में, फिर भी मजबूत है विपक्ष कांग्रेस ने करा 30 वर्ष राजनीति और शासन कांग्रेस ने करा, जो आज डिबेट में जिन्हें होना चाहिए था आज वो नहीं है। आज प्रियंका जी को आज बेटी हूं कर सकती हूँ, आज बेटी नहीं आएगी आज बंगाल के विरोध में, आज कांग्रेस राहुल गांधी नहीं भागेगा पश्चिम बंगाल। देखिए आपको छोड़िए, मीडिया का भी कलेक्टिव देखिए, ये मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसने पहले पेज पे एक कॉलम का न्यूज छापा है, एक चार्ट टू डेथ इन वेस्ट बंगाल विलेज 11 हेल्थ, मतलब 5 लाइन का, और यही बीजेपी शासित प्रदेश में होता तो फ्रंट लाइन खबर बनती बोल्ड में। तो आप ये सेलेक्टिविज्म समझिए कि ना मीडिया आपको साथ देती है इन बातों पे, वो कैसी रिपोर्टिंग करती है। यही बीजेपी शासित प्रदेश में अगर होता तो उसका आउटरेज देखते आप। एक आपके तो अगर आपने मीडिया की बात करी ठाकुर साहब,
और आप लोग कुछ करते ही नहीं है, ऐसा नहीं है सर्वेश्वर जी, देखिए ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मीडिया पे सवाल नहीं उठाया जा सकते। आपने दिखाया ना जो भी अखबार है आपके पास, सुन लीजिए भाई, मैं भी मीडिया पत्रकार, अरे मैं भी देखा हूँ भाई, क्यों अपटा, अरे सुन लीजिए भाई, अपटा में योगी आदित्यनाथ, अरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, अपटा में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था, इतनी छोटी आपको नहीं पता क्या, आज तक क्या हो पाया, अरे ये मत उठाइए भाई सवाल, मत उठाइए, देखिए बेवजह सवाल मत उठाइए, वो कहते हैं अरे सवाल कैसे उठा सकते भाई, आप बताइए, एक सेकंड सर्वेश्वर जी, बहुत सिंपल सा और बहुत सीधा साला जी, वहां पे जाना नहीं चाह रहा था, इसलिए कम शब्दों में मैं चाहूंगा कि आप जवाब भी दे दीजिएगा, क्योंकि चर्चा दूसरी है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जो सवाल उठाया उस पर सवाल मैं कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, अपटा रायबरेली जिले के क्षेत्र में ऊंचाहार क्षेत्र में गांव आता है, 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए, मंत्री थे उस समय, आज तक कौन सी कार्यवाही की गई आप बताइए, केवल इतना बता दीजिए, आप केवल इतना बता दीजिए, बात बताइए, उसका मीडिया ने कितनी प्रमुखता से खबर दिखाई, जितनी प्रमुखता से उसकी दिखा रही है, गलत बात, गलत बात, ये एक कॉलम छाप रहा है, ये गलत बात, फ्रंट पेज पे और बाकी का मीडिया सबको एक नजर देखती है, मीडिया सभी को एक नजर देखती है, पहली बात आप ये मानसिकता आप चेंज कर लीजिए, सभी लोग बीजेपी के हो चाहे समाजवादी पार्टी, अगर बीजेपी के कुछ बोल दो समाजवादी पार्टी बोल देगी, समाजवादी पार्टी के प्रति बोल दो तो बीजेपी बोल देगी, खैर इस पर बात नहीं करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, नपुंसक बैठी है टीएमसी के सामने में, प्रदीप जी आप अपनी बात बोलिए, कार्यकर्ताओं को मरवा रही है, सर जी आ रहे, प्रदीप जी आप अपनी बात बोलिए, उसके बाद आते हैं सुमित जी के पास, देखिए पांडे जी मैं जो ये बोल रहे हैं, सरकार सब कुछ कर सकती है, केंद्र में बैठी है और पूरा अधिकार भी है, जिसको जनता ने चुन के भेजा और बैठाया है, हर चीज जल्दीबाजी में नहीं होती है, वहां की जनता इतनी जागरूक और होती तो ये आज ही झेलना नहीं पड़ता, क्योंकि ममता जी ने 10 वर्षों के अंदर वहां पे जो जाल बुना है वो तोड़ना आसान नहीं है। हम लोग तो पहली बार चुनाव लड़े इतने बड़ी तरीके से, और हमारे कितने कार्यकर्ता शहीद हुए उस धरती पे नींव रखने के लिए भाजपा की, हमारे भूले नहीं है, आज बहुत सारे बेशुमार बेगिनती कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है भाजपा का उत्तर पश्चिम बंगाल में इतने विधायक बनाने के लिए, काश अगर वहां की जनता जागरूक होती और हम सत्ता में होते तो शायद होता 24 परगना हो चाहे नंदीग्राम हो और जितने भी बांग्लादेश से लगते बॉर्डर हो वहां अलग चीज होती। देखिए ना आपने अभी जो बात कही 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ का बढ़ाया गया, सबसे ज्यादा आग किसके लगी, मिर्चे किसके लगी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, क्यों लगी ये आप समझते हैं? आपने मीडिया की बात करी ना, बिल्कुल आपने मीडिया की बात करी आपने, देखिए आज दिन भर यूक्रेन दिखा रही है बस, यूक्रेन रूस उसे कहीं भी जगह नहीं मिली बंगाल दिखाने के लिए, मिली तो बताइए आप, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एनबी न्यूज का, कम से कम इस विषय को गंभीरता से लेके आप हमें बैठाए तो चर्चा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और जितनी बड़ी मीडिया है जो अरबों करोड़ खरबों रुपए का जो टर्नओवर करती है और सारे चैनल विदेश विदेश तक चलते हैं, उनमें कहीं भी जगह नहीं दी, लखीमपुर को जगह पूरी दी, प्रदीप जी एनबी पूरी जगह दी लखीमपुर को, आप अमेरिका जाएंगे वहां भी एनबी न्यूज आपको मिलेगा, टाटा स्काई के 1927 नंबर पर आपको अमेरिका में भी मिलेगा, चलता है ठीक है। दूसरी बात अब आ रहे, आ गई आपकी बात, आ गई उसका वो भी हो, सुमित जी जी देखिए पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका मुझे लगता है उतनी दमदारी के साथ नहीं निभा पा रही जितना कि अगर अन्य राज्यों में कोई घटना होती तो वहां पर निभाती। कांग्रेस का इन्होंने जिक्र किया, प्रियंका गांधी का, प्रियंका गांधी के फोकस पे था उत्तर प्रदेश भाई, जहां पर ऐसी घटनाएं होती थी प्रियंका गांधी ले लश्कर के लेकर के पहुंच जाती थी उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता पहुंचा लश्कर के साथ? 5 दिन बाद पहुंचेगा, केंद्रीय मंत्री का एक दल पहुंच जाएगा वहां पर और उसके बाद वहां संवेदना प्रकट कर देगा, कहेगा जांच होगी, निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं का ऐसा घेराव कर देते थे कि चार बाग से जाने के लिए गोमती नगर में, पता है आपको, चार बाग से हजरतगंज क्रॉस करने के लिए 1 घंटा लग जाते थे केवल। मैंने देखा है वो दिन, केवल महंगाई को लेकर के जब आप बैठते थे, आपके नेता बैठते थे विधानसभा के सामने, इतना जाम लग जाता था।
मैं बता देता हूँ पांडे जी, जब हमारे जब केंद्र से मंत्री गए थे नंदीग्राम हत्याकांड में जो हुआ था, हिंसा जो हुई थी, पता है आपको क्या उन मंत्रियों पे किसी से हमला किया गया था? नहीं करा गया है। बम से आप ही बोल लीजिए, हम लोग हथियार रेडी कर बसाए थे गांव के लोगों ने, झंडे लगे हुए थे और उसके झंडे सब कुछ और डंडे बाकायदा फोटो जारी करी गई थी और मीडिया ने भी दिखाया था। इतनी खुला गंडा कर दी है वहां पे, गांव में सड़क नाम की चीज नहीं। वहां पे आप बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है आपके पास क्या नहीं है भाई। आप केंद्र में बैठे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री जाते हैं उनके पास सीआरपी, उनके पास इतना इतनी तगड़ी व्यवस्था होती है, पुलिस की हिम्मत है वहां पर, जो है राज्य सरकार की पुलिस की हिम्मत है कि आप पर हमला कर दे। खत्म कर रहा हूँ पांडे जी, खत्म कर रहा हूँ मैं प्लीज। देखिये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं थोड़ा सा असहमत हूँ कि अगर आपने कहा विपक्षी भूमिका, अगर विपक्षी भूमिका अगर निभाई तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने निभाई, जो कि सारे मीडिया को दिखाना पड़ा और मजबूरी बन गई। और आज ही जितने पश्चिम बंगाल के चैनल है सब पे वीर भूमि ही चल रही है, आज ही विधानसभा के बाद धरना प्रदर्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, मगर ये सोई हुई सरकार उठ नहीं रही है। इन्होंने SIT घोषित तो कर दी। और बताया था पश्चिम बंगाल DGP क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के DGP कहते हैं कि एक TV में शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसके कारण ये 8 लोग और 4 बच्चों की जो हत्या हुई, जो जल के मर गए, सॉरी क्या 8 जो 7-8 घर जल गए वो एक टीवी के शॉर्ट सर्किट जल गए। तो ये तो एक देखिए बहुत सड़ावा घिनौना गंदा जो समझ में आ गई बात। आपकी बात आ गई, पूरी बात आ गई। सुमित जी देखिए पश्चिम बंगाल में वास्तव में जो हो रहा है ना, पश्चिम बंगाल की जनता आप समझ रही है, आप इस बात का अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 सीट से 77 सीट पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। और अगले आने वाले चुनाव में देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे जो जले हैं, जिन पर ये कहर बरपा है, ये TMC के कार्यकर्ता थे। आपस में ही दो गुटों में ये तनाव हुआ और आज जो हालात हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि केवल ये परिवार BJP के साथ जाएगा या अन्य दल के साथ जाएगा? आप इसके ऊपर थोड़ा सा बैक में भी आइए, इसको आप देखिए, चुनाव जब चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अपने घरों को आग लगा रहे थे वहां पे, शायद चुनाव के दौरान देखा था उन लोगों ने। अरे कितने झूठ बोलोगे यार। अरे सुन लीजिए प्रदीप जी, आप भी सुन लीजिए, सर्वेश्वर जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लेंगे। बोलिए सुमित जी, आप बोलिए। नहीं नहीं, किस तरीके से झूठ बोल रहा है ये बंदा? मैं बोल लूं? नहीं, आप चुप हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। सुमित जी आप बोलिए। देखिए चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा था, जिस जिसके टिकट कटे उन लोगों ने अपने अपने कार्यालयों तक में तोड़फोड़ आगजनी करी थी। वो कौन थे? ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो जिस तरीके से आज वीरभूमि में हुआ है, TMC के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है, थोड़ा सा हमें रुकिए, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी पानी होगा। और ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, हाथरस में क्या हुआ, जिंदा एक लड़की को मार करके उसकी बॉडी को जला दिया गया, उसके घर वालों को मिलने तक नहीं दिया गया। उसके बाद सुमित जी यूपी नहीं जाएंगे, बंगाल पे चर्चा हो रही है, बंगाल पे चर्चा करेंगे। वो यूपी का डाइवर्ट इसलिए किया था क्योंकि सर्वेश्वर जी ने ऐसी बात कर दी थी। देखिए जब बंगाल पे नहीं, जब प्रदीप जी बोल रहे थे तो नहीं, मैंने उनको मना कर दिया था, गलत बात, मैंने उनको मना कर दिया था, मैंने खुद कहा था यूपी को मैं ला करके आया था, यूपी घटना को मैंने किया था, सर्वेश्वर जी या प्रदीप जी ने नहीं कहा था, ये दोनों लोग बंगाल की बात कर रहे थे, वो मैंने बोला था। उदाहरण देने के लिए बंगाल पे आइए, बिल्कुल सही कि जब जहां की बात हो वहीं पे करनी चाहिए, बंगाल पे आप चर्चा करिए, बंगाल पे चलेंगे बिल्कुल। और हम खुद ये कहते हैं जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, जिस व्यक्ति ने करा है उससे सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी दल का हो। पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी, जब जब चुनाव आते हैं राजनीति करनी होती है, राजनीति मत करिए। को देखिए जनता है, जब आप विपक्ष में बैठे हैं आपको सहयोग करना चाहिए, कोई व्यक्ति हो नहीं जलना चाहिए, किसी के घर हो। अच्छा एक चीज और अनुरोध करूंगा आप लोगों से, मेहमानों से एक बहुत अनुरोध है कि आपके पास कोई बच्चा है जिसके पास भी हो जिसके साथ भी हो, उस बच्चे को अनुरोध है हमारा कि उस बच्चे को आप थोड़ा सा दूर कर दीजिए क्योंकि उसकी भी आवाज आ रही है। सर्वेश्वर जी देखिए सुमित जी की बातों से तो हम भी नहीं सहमत हैं।
कोई भी अपने घर को आग कैसे लगा सकता है। इन्होंने भाजपा कार्यालय का उदाहरण दिया, कार्यालय में दुकान में दुकान से बाहर निकल करके वो अपने किसी प्रतिष्ठान पे आग लगा देना, उसका मुआवजा लेने के चक्कर में या किसी भी राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में, वो चीजें एक अलग मैटर रखती हैं। लेकिन घर में सोते वक्त जिन घरों में महिलाएं सो रही हो और उन महिलाओं के बच्चे सो रहे हो, वो बच्चे जो कि एक सेकंड के लिए अगर उनके नजरों से बाहर हो जाते हैं तो मां परेशान हो जाती है, उसको आग के हवाले कोई कर देगा? इतनी मतलब इतनी इस स्तर की मानसिकता गिर सकती है, मैं तो सोच ही नहीं सकता। इसीलिए तो मैं इतना आउटरेज हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा रही है। सोए हुए चाहे वो टीएमसी के ही कार्यकर्ता हो, वो बंगाल की जनता है, कल वो आपकी भी जनता होगी, आप सत्ता में आओगे तो। और ये टीएमसी के जो महाशय हैं, जो प्रवक्ता जी हैं, ये कहते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी वहां पे वायलेंस शुरू कर देती है, पुलिस इनकी, सरकार इनकी। और जो डीजीपी अभी ने बताया कि कहते हैं कि टीवी के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, टीवी के शॉर्ट सर्किट से आग लगती है योगेश जी, तो एक साइड में आग लगना शुरू होती है, लोग जल के इतने बड़े लेवल पे नहीं मर जाते हैं, पूरा घर नहीं जल जाता है। ये बात समझने की कोशिश करिए। देखिए जानबूझ के साढ़े दस बजे रात में जब फायर सोए हुए लोगों को खबर ये भी आई है सामने कि जब फायर ब्रिगेड को वहां पर जानकारी दी गई तो वो जो जिन लोगों ने आग लगाया था वो पूरा जो लॉबी थी, पूरा गुट जो था, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहा था भाई। अब सोचिए, और वहां की पुलिस को लोग कॉल करके थक गया, पुलिस समय पे नहीं पहुंची। तो ये सीधा सीधा मामला है, ममता बनर्जी का पूरा इनपे सह है, उनपे ये है कि आप अगर कोई के हिंसा होती है तो आप जल्दी सुनवाई नहीं करो। यही हाल हुआ था जहां मतलब अगर ऐसी घटना होती है तो पुलिस को आना चाहिए। अगर फायर टेंडर समय पे नहीं पहुंच पाया तो आप सोचिए कैसे वो मतलब। मैं इसलिए गुस्सा में हूँ बीजेपी से कि अब कश्मीरी पंडितों का हाल हम देख रहे थे, देख लिए हैं कि उनको भी घरों में ऐसे जिंदा जला दिया गया, और वो भी कश्मीरी मुसलमानों द्वारा, कोई पाकिस्तान से नहीं आया था। और यहाँ पे टीएमसी जो इतनी बड़ी जीत के साथ बंगाल में आई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, वही काम कर रही है और बीजेपी चुपचाप देखती रही है। इनको ये मुद्दा ही नहीं लगता राष्ट्रपति शासन लगाने का। जब हजारों हजार कार्यकर्ता लोग शहीद हो जाएंगे, बलिदान दे देंगे, तब इनके पास मुद्दा आएगा। ये निरंकुश सरकार है। अगर इस घटना की निंदा तो सब करेगा, राज्यपाल ने किया तो उन्हीं पे ममता बनर्जी बहस पड़ी। तो ऐसी गवर्नमेंट से आप हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं, आप ये बताइए योगेश जी। ठीक बात। अगर वहां पे जो वहां की एसआईटी गठित हुई है, आपको कहीं भी लगता है कि उसका रिपोर्ट सही आएगा? अगर आज बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी भी करते हमारे सामने, लेकिन वो रिपोर्ट कब तक आ पाएगा? आज तक उनके नतीजे नहीं आ पाए हैं। कितनी एसआईटी को हम गिना सकते हैं भाई? आज तक उनके नतीजे नहीं आ पाए हैं अलग अलग राज्यों में। योगेश जी उसको तो छोड़िए, जो बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ये टीएमसी वाले हिंसा किए थे, रेप किए थे, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इतने दिन हो गए चुनाव के, आखिर उसमें क्या इशू है, इतना समय क्यों लग रहा? ठीक है, ठीक। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और प्रदेश सरकार तो 110% जिम्मेदार है। प्रदीप जी आएंगे आपके पास, एक कमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले सुमित जी से एक जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, अगर राज्यपाल ये कह रहे हैं कि हम सरकार से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है और चल रहे हैं, सुन लीजिए पहले सवाल। चलिए सुमित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुमित जी आवाज नहीं मिल पा रही आपको? सुमित जी आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं मिल रही है। सुमित जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ सुमित जी, सवाल यही है कि अगर राज्यपाल कह रहे हैं कि हम सरकार से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, लेकिन सरकार को कानून और नियमों के तहत चलना पड़ेगा, अराजकता का माहौल हम प्रदेश के अंदर नहीं दे सकते हैं, अगर ये सरकार से राज्यपाल कह रहे हैं, किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो, हम बंगाल का ही नहीं कह रहे हैं, सरकार को मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? सरकार को ये क्या कहने की जरूरत है कि राज्यपाल अपनी मर्यादा में रहे? क्या मर्यादा लाग रहे हैं राज्यपाल?
इसमें क्या गलत कर दिया? अगर आईना दिखा रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि कानून, इसमें हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी हादसा, कोई भी घटना भी न घटे, राज्यपाल अगर सरकार को यह कह रहा है कि कानून के हिसाब से चलना चाहिए सरकार को, तो क्या गलत कह रहा है? राज्यपाल पेपर होता है राज्य में रहने के लिए, उसका यह अधिकार है। केंद्र अगर राज्य सरकार कुछ गलत कर रही है तो उस पर वो बोलेंगे। सर्वेश्वर जी लेते हैं, सुमित जी बताइए, आप जवाब दीजिए। आप हमारे विशेषज्ञ भाई साहब बैठे हैं, सीनियर बैठे, आप पहले इन्हीं से पूछ लीजिए, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं। उन्होंने बताया है कि उनका विशेषाधिकार होता है, ठीक है, उन्होंने बोल दिया, आप बोलिए सुमित जी। देखिए योगेश भाई, आप शुरुआत से देखिए इस चीज को कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं जगदीश धनखड़ साहब, इनका रवैया किस तरीके से टीएमसी के लिए रहा है, हर समय बीजेपी की बी टीम बन के काम करना। राज्यपाल हैं आप, आपको चुनाव में आप छोटी छोटी जगह पे आप जाकर के आप टीएमसी को बदनाम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार करते ही नहीं करना चाहिए। आप अभी 2021 में चुनाव हुआ है, चुनाव के दौरान देख लीजिए आप, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी हालात खराब हुए थे? क्या राज्यपाल कोई बोले? नहीं बोले, शांत बैठे रहे। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पे सारे राज्यपाल बोलने लगते हैं, क्यों? राज्यपालों को बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी वायलेंस हुआ था, क्यों नहीं बोले? 750 किसान हमारे भाई शहीद हो गए, तो कभी कोई नहीं बोला, क्यों नहीं बोले? योगेश जी कहां से कहां जा रहा है? हां वही मैं देख रहा हूं। नहीं नहीं, क्यों नहीं? आप सर्वेश भाई एक चीज देखिए, आप केवल एक ही चीज के ऊपर बोले तो आप बी टीम बन के काम मत करिए, बीजेपी का बी टीम बन के काम मत करिए। मित्रा जी कहानी ये है, बंगाल के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, आप थोड़ा समय रुकिए, दो चार दिन रुकिए, आपको खुद दिखेगा कि कौन लोग थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे टीएमसी के हो, चाहे बच्चे का कोई नहीं, वायलेंस हमको भी स्वीकार नहीं है, हम लोग चाहते हैं सही से सरकार काम करे। प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्रदीप जी आप पूछिए। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, सारी पार्टियां चुनाव लड़ी, अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो सभी के बनेंगे ना, चाहे वो किसी पार्टी के हो, जिन्होंने वोट दिया हो या नहीं दिया हो, तो मुख्यमंत्री सभी के होंगे ना। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री के बाद, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री है वो किन की है? केवल टीएमसी की है या सब जनता की है या मुस्लिम की है? पूरे बंगाल वासियों के लिए है। तो भेदभाव क्यों? फिर भेदभाव हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा, आपके नेता जिस तरीके से मैं खत्म कर रहा हूं। अभी पांडे साहब ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, चलो हिंसा हुई, आग लगा दी गई। पांडे साहब ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही थी और वहां पे टीएमसी के लोगों ने आगे जाने नहीं दी, तो नेचुरल बात है पुलिस भी होगी, बिल्कुल। तो टीएमसी ज्यादा है या पुलिस ज्यादा है, तो ये सामने स्पष्ट हो रहा है। तो ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा कि वो मुख्यमंत्री किन की है। सुमित जी बोलिए, मंत्री जी। नहीं देखिए प्रदीप जी, सारे बंगाल वासियों के लिए मुख्यमंत्री है, ना कि केवल एक टीएमसी पार्टी की। जब कोई चुना जाता है पूरे प्रदेश के लिए चुना जाता है, ना कि एक पार्टी का होता है। और जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ जी का आपने जिक्र करा, तो आज आप उठा के देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है वो, केवल और केवल एक अपने मुख्यमंत्री जो रवैया उनका है वो समाजवादी पार्टियों के ऊपर दिखा रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके ऊपर FIR हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बताइए, आप बंगाल में आप SODP को हटा दिया आपने, उसके बाद 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, सुन लीजिए, उसके बाद 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और जो टीएमसी के कार्यकर्ता जो थे, जिन लोगों ने गाड़ी को रोका था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रोका था, वो कौन लोग थे? उनको चिन्हित क्यों नहीं किया गया? उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या 11 लोग ही केवल थे जो जिन्होंने आग लगाई थी? और उसके बाद सुन लीजिए जो हत्या का मामला आया था आपके उप प्रधान का, उसके बाद से मुझे लगता है अगर दो गुटों में तनाव हो गया था, पुलिस के पास ये खबर पहुंची थी, उसके बाद FIR लिखाई गई, जो भी मामला सामने आया, सतर्कता तो तभी से बरतनी जानी चाहिए थी। और जिनकी हत्या हुई है उनके परिजन ये कह रहे हैं कि वो साथ में रहते थे, भाई उनके अलग नहीं रहते थे। त्यागी जी मैं
मैं आपको फिर बता दूं, केवल ये उपचुनाव के लिए ही हो रहा है कि किसी तरीके से पोलराइजेशन हो, जनता का ध्यान बटे। तो कर तो आप ही रहे महाराज, आप ही के तो दोनों नेता हैं, दोनों गुट आप ही की है। कौन से हमारे दोनों गुट हैं? अरे जिनके घर जलाए गए वो भी आपके गुट है, और जिनके घर जो जिन्होंने जलाया वो भी आपके गुट है भाई। दोनों टीएमसी के समर्थक थे, दोनों टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनके परिजन चिल्ला के चीख करके बोल रहे हैं कि तो हम लोग साथ में रहते थे, टीएमसी के लोगों ने आग जलाई, आग लगाई है, वो चीख के चिल्ला के बोल रही है, महिलाएं रो रही हैं। त्यागी जी, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, असली और नकली का खेल चल रहा है। त्यागी जी नहीं, सुमित जी, त्यागी जी नहीं, योगेश पांडे, पांडे जी, मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ, चाहे कोई हो, मैं आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बंगाल में जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने भी अराजकता फैलाने का काम करा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और जिन लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रोकी है उन्हें चिन्हित कर लिया गया होगा, कार्रवाई होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई तो नहीं है। इंतजार रहेगा हमें, कब होती है देखते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोबारा आप मेरे को बैठाएंगे आपके चैनल पे, आप कहेंगे हाँ कार्रवाई हुई है, हमारी ममता दीदी के जमीनी जुड़ाव से जुड़ी हुई है, गरीबों की है, अमीरों की नहीं है। और मुझे तो सुमित जी, मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे तो लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री को भी वहां पहुंच जाना चाहिए था, वहां के जमीनी, अगर जमीन से जुड़ी है वो, जमीनी हालातों का वहां पर जायजा लेना चाहिए था। अब तक ये बैठ करके योगेश जी अभी तक तो पहुंचे भी नहीं, संवेदनाएं नहीं प्रकट करनी चाहिए अधिकारियों को, किसी एक अधिकारी को आप बर्खास्त करवा देते हैं। बंगाल से यूपी आती है लेकिन वहां पे घटना हुई, घटना स्थल पर जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, अधिकारियों को तलब करना चाहिए, गृहमंत्री को होना चाहिए साथ में, डीजीपी को साथ में होना चाहिए, इन सब अधिकारियों को साथ में होना चाहिए, और वही जीरो ग्राउंड पर पूरी जांच करवानी चाहिए, और वहीं पर जिन लोगों को तुरंत वहीं खड़े खड़े सस्पेंड कर देना चाहिए, और उन पर कार्रवाई, मुझे लगता है उनके ऊपर भी एफआईआर लिखवानी चाहिए, अधिकारियों के ऊपर भी जो उसमें सम्मिलित है। ममता जी बूथ पे बैठेगी जी, आप खुद देखिए, हर जगह सीएम को पहुंच के जाना जरूरी होता है। अरे हमने ये नहीं कहा भाई जरूरी होता है, हमने तो कहा अब तक पहुंच जाना चाहिए था, कोई चुनावी माहौल होता अभी तो सब तुरंत सारे दलों के नेता पहुंच जाते, सारे शीर्ष नेतृत्व जो है अभी लीड करने लगता, वहां पर पहुंचने लगता, अभी चुनाव बस होता, किसी भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव होता, लोग प्रदेश अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाने लगते। मुख्यमंत्री आप अपने राज्य के गांव में नहीं जा सकते, हम केवल बंगाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हर जगह का जिक्र कर रहे हैं भाई, लेकिन बंगाल में घटना घटी है तो बंगाल के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, और खड़े खड़े वहां पर हम कह रहे हैं जो भी अधिकारी है उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होने भाई? आपने आपके कहने से या किसी के चैनल के कहने से एकदम से नहीं, योगेश जी हमें नहीं, ठीक है, सुमित जी हमें नहीं भुगतना पड़ेगा, बीजेपी का भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, जो दल करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, चार सीट से 77 सीट पे पहुंच गई है बंगाल में, और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ आज ही चर्चा में मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ, और फिर चर्चा में आपके साथ आऊंगा, कार्यवाही के बाद क्या होता है, इस अगर ऐसे हालात रहे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत कठिन रहा है बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता खुलता नजर आ रहा है, ये चर्चा में आज मैं बोल के जा रहा हूँ। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, और खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।